मेरे को उठा, मेरा पैर फंसा। तो हेलो व्यूअर्स, यार कैसे हो? फाइनली तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम रायवाला। और यार आप अभी देख रहे हो विनीत यूके 11 चैनल। और यार हम संडे राइड पे गए हुए थे नरेंद्रगढ़, जो तुमने सुना होगा मोटो जीपी रोड हाइपर राइडिंग के लिए फेमस है, और लीन गेम तो वहाँ चलता ही रहता है। और हमारे साथ भाई जो अपाची RR 310 थी, वो हो चुकी थी ऑलमोस्ट क्रैश, भाई एक्सीडेंट हो चुका था उसके, सीधा जाके पहाड़ में गाइस ठुक चुकी थी। और मतलब जो हुआ है ना गाइस, बता नहीं सकते हैं। थ्रॉटल हो चुका था उसका लॉक, मतलब एक ही जगह फंस चुका था भाई। नीचे भी कर रहे थे, नीचे नहीं हुआ। हमारे साथ दूसरी अपाची थी, वो भी ख़राब हो चुकी थी, उसमें भी प्रॉब्लम आ गई थी थोड़ी बहुत। हमारे साथ था 08 बाइकर हरिद्वार वाला ग्रुप। मेरे GoPro में ना कुछ रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाई है उस दिन गाइस, ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है। तो आज हम साउंड ओवर करेंगे और तुम्हें सीधा वो दिखाएंगे जहाँ अपाची RR 310 क्रैश हुई। अपाची ना हर जगह से ना टूट चुकी थी, टुकड़े टुकड़े हो गए थे अपाची के। हाइपर राइडिंग कर रहे थे हम उस दिन, और फिर नरेंद्रनगर में गाइस जो हमारे साथ हुआ ना, मतलब अनएक्सपेक्टेड था। और मतलब धराटे काटते हुए जा रहे थे हम, सेफली राइड कर रहे थे, मतलब जितना कंट्रोल होता है ना गाइस उतनी भगा रहे थे। रायवाला से मैंने ज्वाइन किया था, तो पहले हम गए गाइस देहरादून से जाते हैं हम नरेंद्रनगर में, हमारी एंट्री होती है। और नरेंद्रनगर में कुछ जाके होता है ऐसा। और फिर जो हमारे साथ गाइस दूसरी अपाची थी, दूसरी वाली अपाची भी ख़राब हो चुकी थी, उसे भी टो करके लाए। क्या हुआ हमारे साथ नरेंद्रनगर में, तो तुम भी देखो कुछ के लिए। जब हम धराटे काटते हुए जा रहे थे, मतलब भगा रहे थे, लीन कर रहे थे अच्छे से, तो देखो गाइस तुम भी जाके, और मिलते हैं तुम्हें। फाइनली यहाँ से हमारी राइड स्टार्ट होती है और मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, और यहाँ से निकलते हैं देहरादून वाली रोड पे। और भाई का लीन एंगल देखो यार, मतलब क्या खतरनाक है अपाची 310 का। तो फाइनली हम इतने सारे राइडर हैं और सारे के सारे चल रहे हैं, और अभी हम मसूरी रोड पर हैं देहरादून। तो यहाँ से निकलते हैं ओल्ड मसूरी रोड से गाइस फाइनली, और चलते हैं। और लीन एंगल देखो यार तुम, मतलब क्या जहर। और फाइनली थाने वाली रोड पर आ चुके हैं हम, जॉली ग्रांड एयरपोर्ट पे। तो यहाँ से निकलते हैं नरेंद्रनगर के लिए गाइस, और नरेंद्रनगर यहाँ से कुछ ही किलोमीटर है, तो थाने वाली रोड से निकलते हैं जल्दी, और भगा रहे हैं मतलब सारे के। और यहाँ से गाइस हमारी एंट्री होती है नरेंद्रनगर रोड पर, और पुलिस यहाँ पर मिलते हुए और हमें तो रोका नहीं है, चेकिंग वगैरह चल रही है। और फाइनली हम आ चुके हैं जहाँ से स्टार्टिंग होती है हाइपर राइडिंग की गाइस। तो कुछ राइडर मेरे आगे हैं, कुछ राइडर मेरे पीछे हैं, और फाइनली हमने राइड स्टार्ट कर लिया है। और लीन एंगल देखो यार, फिर से R15 तो भाई सबको टक्कर दे रही है, मतलब काफ़ी लेट आ रहे हैं भाई, मतलब क्या बताए गाइस। और ये देखो यार तुम भाई। और यहाँ से निकलते हैं भाई, सच में गाइस मैं तो इतनी लेट आ नहीं पा रहा हूँ सच में गाइस। और यहाँ पे मतलब सारे के सारे भाई फिर मिल चुके हैं, तो यहाँ से गाइस साथ साथ चलेंगे। अभी हम आगे पीछे हो रहे थे, तो यहाँ से डिसाइड किया है सबके सब एक साथ चलेंगे, कोई आगे पीछे नहीं रहेगा। और सारे के सारे राइडर यहाँ से निकलते हैं, और यहीं से स्टार्टिंग हो जाती है, बस मैं थोड़ा सा पीछे छूट जाता हूँ, और फिर जो बाइक लगती है सीधा पहाड़ में जाके। तो यार वो तुम अब देखने वाले हो, और अब देखो गाइस क्या होता है। सो गाइज यहाँ पे होता कुछ ऐसा, मतलब भाई नॉर्मली चली रहते और देख दो मतलब कहाँ से बाइक कहाँ चली जाती है। और भाई यहाँ पे ना थ्रॉटल नीचे कर रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, और देख रहे हो मतलब 90 की स्पीड में थी, और लेते करते गाइज वो 30 की स्पीड में जाके लगती है। और ये सोचो कि नीचे नहीं गई बाइक, सीधा पहाड़ में जाके लगी, और भाई का सर लगता है यहाँ, और देख दो और पाँव फंस जाता है भाई का लेफ्ट वाला बाइक में, और भाई बाइक के ऊपर ही बैठे रह जाते हैं। और गाइस जो तुम अभी देख रहे हो, तो ये रिकॉर्ड होता है Insta360 से, तो देख रहे हो कहां से कहां पहुंचे भाई और कहां जाके लगे। फक भयंकर, हेल्प मी, उठा मेरे को उठा, मेरा पैर फंसा हुआ है, चोट नहीं है ज्यादा कुछ। आर यू ओके भाई? मैं तो ठीक हूँ, एक सेकंड बस। ठीक है एक सेकंड, उठा मत, एक सेकंड। ये तार है गाड़ी का। अबे रेस ही नहीं कम हुई, रेस छोड़ दी, भागी जा रही। लगी तो नहीं? नहीं है? नहीं पक्का ना, लगी तो नहीं कहीं? ये उतार के पता चलेगा तार कहाँ का है। अबे थ्रॉटल छोड़ा बस, वैसे नहीं। और ये देखो गाइस मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब चेक करना पड़ेगा कहाँ कहाँ कितनी लगी है। और गाइस यहाँ पे होती है मेरी एंट्री, मेरे सामने से एक ट्रक आया, मुझे पता नहीं क्या हुआ,
और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कुछ अपने साथ के राइडर खड़े हैं। मैं सोच रहा था कि कोई ऊपर से आके वो ठुक चुका है, बट यहाँ कुछ अलग ही देखने को मिला भाई। बाइक ना पूरी तारों में फंसी हुई थी, मैंने बाइक रॉन्ग साइड ही लगा दी ऐसे में और सीधा उतरा। और पहले तो बाइक हमने तारों में से निकाली क्योंकि भाई पहले ही उतर गए थे, फंसे हुए थे यहाँ। और मतलब फिर मैं आया, वायर वगैरह निकाले सब ने मिल के, और बाइक की साइड देख रहा हूँ मतलब पूरी बाइक भाई अच्छे से वायर में फंस गई थी यहाँ, मतलब स्पाइडरमैन के जाले में फंसी हुई थी। बट भाई राइडर पूरे सेफ थे, थोड़ी सी हल्की सी नी गार्ड में लगी थी, नी गार्ड थोड़ा सा साइड को हो गया था, थोड़ी सी घुटने में लगी थी गाइज, और बाकी सब कुछ सेफ था। बट बाइक थोड़ी सी टूट चुकी थी गाइज अच्छे से, और भाई के रिएक्शन देख रहा हूँ मतलब यहाँ मतलब क्या बताएं गाइज। और गाइज अक्सर भाई बैठते हैं फिर साइड में थोड़ी देर मीटिंग होने के बाद कि कैसे लगी क्या क्या हुआ, तो फिर खोल के देखते हैं कि कितनी लगी है कितनी नहीं, और तुम्हें भी दिखाते हैं गाइज। और यहाँ पे जूता हल्का सा फटा हुआ था गाइज, ज़्यादा तो कुछ नहीं था। भाई बोल रहे थे कि पाँव मुड़ा है, बट पाँव में थोड़ा सा पेन था, बट हल्की सी ना गाइज घुटने में लगी हुई थी जो कि ना थोड़ा सा दर्द कर रही थी, और थोड़ी सी जीन्स भी फट गई थी गाइज। और फिर यहाँ पे मीटिंग चलते हुए मतलब बातें वगैरह कर रहे थे सब अपनी अपनी कि कैसे हुआ क्या क्या हुआ। और फिर अक्षय भाई बताते हैं कि मेरे साइड में लगी थी हेलमेट पे, मतलब हेलमेट मेरा पहाड़ पे लगा था, टक करके कान बंद हो गया था मेरा। और फिर गाइज हमें ज़रूरत पड़ती है मेडिकिट की, क्योंकि हल्की सी भाई के पाँव में लगी थी तो वो तुम्हें दिखाते हैं। ज़्यादा मतलब कुछ नहीं था, बड़ी इंजरी नहीं थी, छोटी सी थी, मतलब हल्की सी घुटने की स्किन निकल गई थी गाइज, खाल निकल गई थी हल्की सी। तो यहाँ पे मेडिकिट देते हुए और थोड़ा सा मतलब सफाई वगैरह कर दी थी, बैंडेड वगैरह लगा दिए थे गाइज। और फिर यहाँ पे ड्रेसिंग करते हुए और फिर गाइज हम आगे राइड करेंगे कंटिन्यू। और गाइज उसके बाद पड़ती है हमें टूल किट की ज़रूरत, जो मैं लाता हूँ अपनी KTM में से, अपाची वाली तो लग नहीं रही थी। और इसका ना थ्रोटल एक ही जगह फंसा हुआ था, जो साइड के लीवर गार्ड थे ना गाइज वो टूट गए थे और मतलब फंस गई थी भाई अच्छे से। एक्सीलेटर ना गाइज इसका पीछे ही फंसा हुआ था, तो वो फिर हम लूज करते हैं एलकी से खोल के, KTM की एलकी लग जाती है इसमें, तो फिर थ्रोटल गाइज अपनी जगह आ जाता है खोलने के बाद। और फुट रेस्ट वगैरह एग्जॉस्ट वगैरह सब टूट गए थे गाइज इसके, यहाँ पे मतलब देख रहे हो क्या बुरे हाल हो रखे हैं। फुट रेस्ट वगैरह खोल देते हैं फिर भाई सब मिल के। और गाइज फिर यहाँ पे थ्रोटल ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, और फिर डिसाइड करते हैं कि राइड हम आगे करेंगे। एक बार टेस्टिंग लेते हैं और फिर देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं कर रही है, मतलब आगे राइड कंटिन्यू हो पाएगी या नहीं हो पाएगी हमारी, तो फिर चेक करके आते हैं अलग से भाई। तो वर्क ठीक कर रही थी बट थोड़ा सा टूटी फूटी थी गाइज, और ज़्यादा तो कुछ दिक्कत नहीं थी बस। तो फिर हमारा प्लान बनता है कि हम आगे कंटिन्यू राइड पूरी करेंगे, और फिर मतलब सब कुछ ठीक था, बस बाकी कुछ स्क्रैच वगैरह लगे थे थोड़े बहुत। सो गाइज फिर हमने उसके बाद राइड कंटिन्यू कर दी थी, और फिर हम उसके बाद पहुँचते हैं आगरा खाल। आगरा खाल में हमने नाश्ता वगैरह किया, और वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो रेड वाली अपाची हमसे आगे थी, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, ये स्टार्ट नहीं हो रही थी गाइज सबसे पहले। और फिर तो फिर इसे टो करते करते गाइज ऋषिकेश तक लाते हैं, फिर ऋषिकेश पहुँचते हैं और फिर इसे शोरूम में ले जाते हैं गाइज। पर गाइज फिर हम शोरूम आए, शोरूम में कम से कम 3 घंटे लगे बाइक ठीक होने में, बट उसकी ना वायरिंग वगैरह चली थी तो वो ठीक कर दी थी। और फिर यहाँ से सारे के सारे राइडर अपने घर के लिए निकल रहे थे, मतलब हम हरिद्वार ही जा रहे थे, सारे के सारे राइडर अपने अपने घर के लिए निकल रहे थे। तो शाम हो गई थी यहाँ, और सामने तुम ये देख रहे हो RC पखंडी, वो भी हमारे साथी थे अंदर, वो भी कुछ काम से आए थे। और फाइनली यहाँ से निकलते हैं सबके सब अपने घर के लिए, सबके सब राइडर इधर ही थे TVS में, तो फाइनली यहाँ से निकलते हैं, सारी बाइकें वगैरह ठीक हो गई है यार। फाइनली तुमने क्लिप वगैरह देख ली होंगी, और भाई जो साथ हुआ ना मतलब राइडर सेफ था तुमने देख ही लिया होगा, और फाइनली बाइक के तुमने देखा होगा क्या क्या टूटा है, एग्जॉस्ट वगैरह सब बाइक ख़त्म है, बाइक इंश्योरेंस में कवर है तो वो इंश्योरेंस में कवर हो जाएगी, बट राइडर सेफ था गाइज। वहाँ कुछ ऐसा हुआ ना बता नहीं सकते, मतलब मैं तो थोड़ा पीछे था, मतलब सीधा जाके पहाड़ में, तो जैसे राइड कर रहे थे तो गाइज एक और बार पहले थ्रोटल फंसा था, मतलब आधे में अटक गया था, और फिर जब आगे गए तो फिर उसके बाद पूरा थ्रोटल फंस चुका था, मतलब तुम देख रहे होंगे मतलब 70-80 की स्पीड थी उसी स्पीड में ना मतलब थ्रोटल फिर से लॉक हो गया था, और वहाँ जाके मतलब सीधा रॉक साइड, वो तो ठीक हुआ नीचे नहीं गए। एक गाइस सामने से ट्रक भी आ रहा था, मतलब ठीक हुआ तो ट्रक थोड़ा सा पीछे था, बाइक उससे पहले लग गई, बट जो भी हुआ ना गाइस उतने पे टल गया था, मतलब राइडर सेफ था, मतलब नी गार्ड वगैरह राइडिंग जैकेट वगैरह शूज़ वगैरह सब पहने हुए थे, बस थोड़ा सा गाइस नी गार्ड इधर हो गया था, तो थोड़ी सी हल्की सी क्रॉच आई थी, और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, मतलब घुटने में हल्की सी चोट आई थी गाइस, कुछ भी नहीं। अपाची RR 310 गाइस सीधा जाके पहाड़ में लगी, और मतलब जो वायरिंग थी वायरिंग में जाके फंसे, तो वहाँ पर
सेफली थे और भाई का पाँव ना ऐसे मुड़ गया था गाइज, मतलब मुड़ा हुआ था, बाइक में दबा हुआ था, तो वो भाई लोगों ने जाके निकाला और पीछे से मैं भी आ गया था। तो गाइज यार तुम्हें पसंद आया होगा, अगर तुम और संडे राइड चाहते हो तो कमेंट करके बता, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर देना, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज। If I got a voice, they gon' hear me shout. I can make my own choice, and we've all got a mouth. I'ma make noise, yeah, that I don't doubt. If I got a voice, they gon' hear me shout. I can make my own choice, and we've all got a mouth. I'ma make noise, yeah, that I don't.